हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लग गुरु कार्यक्रम। लग गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के बारे में कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला, आपकी माली हालत कैसी होगी, दूर देश की यात्रा का योग है कि नहीं, और आज आपको पदोन्नति का क्या योग है, और धन के क्षेत्र में क्या होने वाला है, राजनीति के क्षेत्र में क्या होने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में आज आप क्या करेंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ हमें भी बताएंगे कि आपको सावधानियां क्या बरतनी है, आज आपको उपाय क्या करना है, और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। ज्योतिष में यदि आपका कोई भी इंटरेस्ट है तो आप क्या करें कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपके मन में कोई भी जिज्ञासा है, अगर आप प्रश्न जानना चाहते हैं, इनबॉक्स में जा करके अपना प्रश्न लिखिए, अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिख करके भेजें, ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव का रहेगा, थोड़ा शंका में जिएंगे और मन में असुरक्षा की भावना डेवलप हो सकती है। लेकिन ये जो भी फीलिंग होगी वो गलत फीलिंग है। आप अपने को पॉजिटिव करिए, पॉजिटिव रहिए, नकारात्मक विचारधारा मन में ना आने दें। आप एकांत में न रहें, आप संगीत का सहारा लें या मंत्रों का सहारा लें। आज आपके लिए शेयर के लिए, ट्रेडिंग के लिए, नए व्यापार के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। कुछ बड़ा आप कर सकते हैं, उसके लिए आज का समय गोल्डन टाइम चल रहा है आपका। और व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपका दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप शेयर में, ट्रेडिंग में, होटल में अगर आप पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में भी अगर आप काम करते हैं तो आज आपके लिए अच्छा है। पार्टनरशिप में आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कार्य करने की, उसके लिए भी आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है। और पिता का सहयोग मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद रहेगा, तो कोई भी नई प्लान कर सकते हैं, उसके लिए आज आपका समय बेहतरीन है। अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, कटु भाषा का प्रयोग करने से बचें, पत्नी के को ध्यान रखें, पत्नी की हेल्थ वेल्थ को लेकर के चिंता हो सकती है, तो इस पर आप सजग रहें और तेज गति की गाड़ी न चलाएं, बच्चों की टेरिटरी में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें, और अपने आय और व्यय में सामंजस्य स्थापित करें, बेवजह फालतू पैसे को खर्च न करें। जो भी है थोड़ा सा अगर टारगेटेड होकर करेंगे कोई भी कार्य तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और भूमि भवन खरीदने का योग बन रहा है, गाड़ी खरीद सकते हैं, इसके लिए आपका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ वेल्थ अच्छा रहेगा और विरोधी परास्त होंगे। यदि कोर्ट कचहरी में, न्यायालय में कोई भी अगर डिस्प्यूट चल रहा होगा तो आज वो डिस्प्यूट में आपको विजयश्री मिलेगी और आज आपको काफी धन लाभ होते हुए दिख रहा है और बहुत सारे कार्य होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। दूर देश की यात्रा का भी योग बन रहा है और तीर्थ यात्रा का, देशाटन का भी योग बन रहा है। किसी अच्छे मार्गदर्शक गुरु के मिलने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। सावधानियां क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि आप दिल की बजाय दिमाग की बात सुने। उपाय क्या करना है, आज आपको भगवान श्री गणेश की आराधना करें और हरा चारा गाय को खिलावें, आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ओम गंग गणपति इस मंत्र का जप करें और आज आपके लिए शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है सी ग्रीन। हरे कृष्ण।